हेलो मित्रों, कैसे हो जी। उम्मीद करता तो बहुत वधिया हो गए। और जो भी जनाब ताडा भरा आंदा ना पूरे भार दे नाल रैसपी बना, और मैं कहना मज़ा आ जाता जनाब। मेरे जिन्ने भी चाहने वाले मेरी फैमिली यूट्यूब दी, मैं बहुत दबागो हाँ जनाब। तुसीं तंदुरुस्त रहो और पूरे भार दे नाल मेरियां रैसपियां देखते रहो। लो जी, अज जनाब पूरे भार दे नाल काबली पुलाव बना लगे कि काबली पुलाव बनाया सी मुर्गे दा, हुण बनेगा जनाब बकरे दा। और पट्ट दा बोटियां जी, पट्ट दियां बोटियां। लो जी मित्रों, फिर शुरू करते हैं और तुहानू दसदे हां कि असीं किहड़े किहड़े च मसाला जात पाए और की कीता। लो जी, लो जी मित्रों, हुण साडा पहला प्रोसीजर जनाब, असीं अपना बकरा जिहड़ा पूरे भार नाल जिहड़ा लिआंदा 1 किलो, वह जनाब उपर चाढ़ दिता। हुण इहनूं असीं हल्का जिहा बॉयल करांगे और असीं अगला प्रोसीजर सीधा चलांगे। लो जी चलदे हां। जिवें कि जनाब पूरे भार नाल साडे जिहड़े काबली पुलाव दे मसाला जात आ गए, इह जनाब किशमिशां और गाजरां और टमाटर और गंढे, असीं इह सारियां चीज़ां फ्राई करांगे और तुहानूं दस्सदे हां कि इहनां नूं फ्राई किस तरीके नाल करना। अगे मुर्गी दा मैं चाढ़िया होया काबली पुलाव दा, मगर हुण असीं जनाब बकरे दा चाढ़ांगे जनाब काबली पुलाव। ठीक हो गया। लो जी फिर हुण मित्रों, असीं इदां इदां दा ना जनाब प्रोसीजर सारे फ्राई करांगे और तुहानूं दिखावांगे। ठीक हो गया। लो जी मित्रों, चैक करो, हर एक चीज़ां जिहड़ियां फ्राई करनियां उहदे लई सानूं चाहीदा जनाब 1 कप ऑयल चाहीदा। लो जी, 1 कप जिहड़ा असीं ऑयल डालिया उह हो गया जनाब गर्म, ते हुण असीं अपनियां गाजरां फ्राई करांगे जनाब। और अच्छे तरीके नाल जिहड़ियां गाजरां भी असीं फ्राई कर लांगे। लो जी गाइस, पूरे भार नाल जिहड़ी साडियां गाजरां जिहड़ियां फ्राई हो चुकियां, हुण असीं जनाब इहनां नूं कढ लांगे गाजरां नूं। और गाजरां नूं देखो कि इस तरीके दा चमचा लैणा कि जिहड़ा ऑयल ना आवे, ऑयल जिहड़ा नाल ना आवे। लो जी, इस तरीके नाल असीं जनाब पूरे भार नाल साडियां गाजरां जिहड़ियां फ्राई हो के आ चुकियां, ते हुण इसे तरहां दूसरा प्रोसीजर भी दस्सदे कि अगे की असीं फ्राई करना। गाजरां जिहड़ियां असीं कर लईआं, ते हुण असीं कर लांगे किशमिश। किशमिश जिहड़े अंगूर सुकाए हुंदे, ठीक है जी। लो जी, हुण इहनूं वी इसे तरीके नाल असीं इहनां नूं फ्राई कर लांगे और उपरों ढक्कण दे दांगे, इस लई कि कई मुके ना बाहर नूं आउंदियां हुंदियां, कि ता कि बाहर नूं ना आ सके। सिर्फ एवें 2 सैकंड दे वास्ते ढक्कण देना, फिर चलो जी चैक करो मित्रों किड्डे अच्छे तरीके नाल फ्राई हो गईआं। चैक करो, फिर दोबारा छोटे छोटे अंगूर बन गए किशमिश तो। हुण प्याज असीं सिट लांगे गंढे, इहनां नूं वी अच्छे तरीके नाल असीं फ्राई कर लांगे। लो जी मित्रों, जिवें कि जनाब गंढे जिहड़े फ्राई हो चुके आ, ते हुण जनाब साडे कोल 1 किलो जिहड़ा बकरे दा गोश्त आ, और ऑयल असीं बहुत कम पाया, इस लई कि इहदी जिहड़ी जखनी हुंदी ना उहदे विच ही समझ लो कि काबली पुलाव सारा बनेगा। ऑयल असीं कम यूज करांगे, उही जिहड़ा ऑयल यूज कीता कि जिहड़ियां चीज़ां फ्राई कीतियां। लो जी, हुण असीं इच गोश्त सिट लांगे, और गोश्त नूं वी जिहड़ा ना अच्छे तरीके नाल फ्राई करांगे, उह वी पूरे भार दे नाल। मित्रों, असीं हसबे ज़ायका जिहड़ा इच नमक पावांगे, समझ लो कि 2 चम्मच असीं जिहड़े नमक पाए। कई लोग जिहड़े टमाटर नहीं पाउंदे, पर मैं तुहानूं अग्गे वी दस्सिया कि मैं डिफरेंट तरीके नाल रैसपियां बनाउंदा अपने तरीके नाल, पूरे भार दे तरीके नाल। मैं नहीं किसे नूं जनाब फॉलो करदा, ते ना अपने हक च जनाब फॉलो करना, अपने स्टाइल नाल बनाउंदा। भाई जी, टमाटर नाल जरा एक अच्छा जरा थोड़ा जिहा होर जरा जायका अच्छा आ जांदा, मगर टमाटर पैंदे नहीं, मगर मैं अपने स्टाइल नाल टमाटर पाउंदा। 1 किलो गोश्त और 1.5 किलो चावल है साडे कोल, और असीं 1.25 गिलास जिहड़ा ना इस च पानी पाउंगे। पानी नहीं, इह जखनी आ। इस लई मित्रों, जिवें कि जनाब 1 किलो बकरे का गोश्त आ, और जनाब असीं 4 गिलास पानी दे मेन के पाए आ जनाब। और गिलास भी तुहानूं दस्सदा शीशे का गिलास नहीं हुंदा, शीशे का जिहड़ा ओह, ते असीं हुण 2 चम्मच जिहड़े चीनी दे पा दांगे विच। मित्रों, जिवें कि जनाब पानी जिहड़ा साडा उबाले ते आ गया, ते हुण जनाब असीं चावल सिट लांगे, और चावल जिहड़े असीं खिलार के सिटांगे, इस तों कि जिहड़ा इक जगह ते ना बैठे चावल। मित्रों, जिवें कि जनाब तुहानूं कहिंदे जदों ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਰੈਸਪੀ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਕੰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਮ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਸਿੱਟਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗਾਜਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਨਾਬ ਫਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਖਿਲਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਕਾਬਲੇ ਪਲਾਓ ਦਮ 'ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਰੱਖਣੀ ਧੀਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਮੇ 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 ਮਸ ਹਲਕੀ ਅੱਗ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰੋ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਜਨਾਬ। ਚੌਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਾਬਲੀ ਪਲਾਓ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਡਿਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਚੈੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਤਰੋ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਬਲੀ ਪਲਾਓ, ਲਓ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਪਲਾਓ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾ ਜੀ ਆ ਲੋਸ਼ ਲੋਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਸ਼ 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 ਗੋਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਸੁਣਿਓ ਭੁੱਲਿਓ, ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਇਤਰਾਮ ਕਰੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਲਓ। ਔਰ ਮਿੱਠੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਿੱਠੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮਿੱਠੂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਟੀਂ ਟੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰੋ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਨੀ ਸ਼ੈਫ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜਨਾਬ।